जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फॉर यू में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी MR ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। इंडियन नेवी MR का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना होगा इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी इंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पे लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी MR का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर के गूगल सर्च बार पे आ जाना होगा और यहाँ पे आकर आपको सर्च कर लेना होगा ऑल जॉब्स फॉर यू। जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। फर्स्ट में ऑल जॉब्स फॉर यू डॉट कॉम देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन नेवी MR ऑनलाइन फॉर्म और नीचे आपको ऑनलाइन फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके शॉर्ट नोटिस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, इंडियन नेवी MR रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। और जैसे नीचे आएंगे तो वैकेंसी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और भी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। लास्ट डेट 2 नवंबर 2021 रखा गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक में देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। इसके आगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना होता है, विदाउट आधार कार्ड से। तो मैं अभी विदाउट आधार कार्ड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं एक आईडी सेलेक्ट कर लूँगा। मैं 12th का पासिंग सर्टिफिकेट ले लेता हूँ। सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालूँगा। उसके बाद ये जो कैप्चा यहाँ फिल करके मैं सिंपली सेव पे क्लिक कर लूँगा। जैसे सिर्फ सेव पर क्लिक करेंगे आप अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करेंगे। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना होगा। सबसे पहले आप अपना नाम फिल करेंगे, जो भी आपका नाम हो। उसके बाद मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अगर आपका रवि कुमार नाम है तो यहाँ पर रवि फिल करेंगे। यहाँ पे आप कुमार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे जो आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है वो फिल करना होगा, जिस पर OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स या मदर्स नेम फिल करना होगा, गार्जियन नेम फिल करना होगा। फादर्स या मदर्स नेम फिल कर सकते हैं। पैन कार्ड फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपको सिंपली इस वाले कैलेंडर पर क्लिक करके और यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, या फिर से यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख भी सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड आपको सेलेक्ट करना होगा। सिंगल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पहचान चिन्ह फिल करना होगा, जैसे कट का निशान या तिल का निशान हो शरीर पे, जो भी हो आप यहाँ फिल करेंगे। एक और है तो यहाँ फिल कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, एक ही आप रहने देंगे। मैं एक ही फिल कर लूँगा। उसके बाद ये फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्लस वाला आइकन पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एजुकेशन डिटेल्स आप यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे 10वीं ले लेता हूँ। आप यहाँ से 10वीं सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे जो भी आपने आपका क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। ये फिल करने के बाद आपको अकाउंट डिटेल्स के आगे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आप फोन में करेंगे तो प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। जैसे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, जो भी आपका ईमेल आईडी हो आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो आपका पासवर्ड है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद पासवर्ड मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल करना होगा। पासवर्ड आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम हो, @123 ऐसे करके आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद दोनों में यहाँ पे अपना नाम और @123, यहाँ पे अपना नाम @123 फिल करने के बाद आपको आगे आना होगा। आगे यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे फिल करके सिंपली आई एग्री पे टिक कर लेना होगा। दोनों पे दोनों बॉक्स को चेक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया उसे सारे टाइम मैंने फिल कर लिया। सिंपली मैं सेव पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा ये जो मेरा पेज है, देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया और मैं फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे सेव पर क्लिक करूँगा देखिए मेरे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स कुछ ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया।
तो यहाँ से करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन मैं फिर से कर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके मेल पे एक मैसेज आएगा। मैसेज में फ्रेंड्स आपको एक लिंक देखने को मिलेगा आपके मेल पर, क्लिक हियर पर जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भी सेंड किया जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे सेव पे, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को वहाँ पर मेल पर एक वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे अपने मेल पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे वहाँ पे एक ओटीपी पूछा जाएगा। वो ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, वो मोबाइल का ओटीपी वहाँ फिल करके जैसे सबमिट करेंगे आपका जो आईडी वेरीफाई हो जाएगा। आईडी वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, फिर से आपको alljobsforyou.com का ऑफिशियल पेज पे आना होगा। फिर से आपको इस पेज पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन हो गया। आपको सिंपली आप यहाँ से लॉगिन करना होगा। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। जो भी ये कैप्चा आपको देखने को मिलेगा आपको इसको सिंपली फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना होगा। इसे सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और सिंपली अब आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद ये जो नीचे कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा आपका क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 10th जो आपने पहले सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे 10th का डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स फिल करना होगा, कितने मार्क्स का था, उसके बाद कितने मार्क्स आपको मिला था, आप 10 मार्क्स में आप फिल करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ मार्क्स में देना चाहते हैं या CGPA में देना चाहते हैं, तो मैं मार्क्स में ही फिल करके आपको दिखाऊँगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, मेरा टोटल मार्क्स 500 का है और मुझे मिला है 350। मैं यहाँ पे फिल कर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे 70% मेरा आ रहा है जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद कौन से स्टेट से आपने एग्ज़ाम पास किया था मैट्रिक का, उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम बोर्ड यहाँ पर फिल करना होगा, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, मैं यहाँ फिल कर लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना होगा मैट्रिक का, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे यहाँ पे, या मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर फिल करके उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स अपना मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लिया। मैंने ये आपको केवल PDF में अपलोड करना होगा, 1 MB से कम होना चाहिए। मैंने सब अपलोड कर लिया और उसके बाद मैं सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सेव कर लूँगा मेरा ये पेज सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना होगा। यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मैं हाइड कर लूँगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपली अपना एड्रेस फिल करना होगा। जैसे अपना एड्रेस फिल करते हैं, यहाँ पे नीचे आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, पिन कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ से सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सेम आपको फिल करना होगा। सेम फिल करने के लिए सिंपली आपको इस बॉक्स को आपको चेक कर देना होगा। चेक करने के बाद दोनों में एक ही एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे देख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको नहीं होने वाला है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, उसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पर मेरा व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। जो आपको JPG में अपलोड करना होगा या PNG में अपलोड करना होगा, 100 KB से कम होना चाहिए आपका फ़ोटो और 100 KB से कम होना चाहिए आपका सिग्नेचर। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका रेसिडेंट, मतलब आपका जो ये निवास है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना होगा, जो PDF में होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। ये सब अपलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा मिल रहा है, कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सेव पर क्लिक कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स जो भी आपका डेटा है फिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली करंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पे आपको देखने को ये ओपन हो रहा है, देखिए ये अभी आपका इंडियन नेवी MR का है और ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे 29/2021 से स्टार्ट है आज से, और 2 नवंबर 2021 तक फॉर्म फिल होगा। व्यू डिटेल्स पर आपको
क्लिक करके इसका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे इस सही वाले चिन्ह पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। मैं वेट कर लेता हूँ जब तक ये ओपन हो रहा है। जैसे फ्रेंड्स आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देख पाएंगे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आपको सिंपली इसको आप टिक कर लेना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा चीफ के लिए कितना है और स्टेवार्ड के लिए कितना है, वैकेंसी ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे 57 अभी फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई नाव पर क्लिक करना होगा। जैसे अप्लाई नाव पर आप क्लिक करेंगे देखिए 7 मिनट में 57 यहाँ फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। जैसे नीचे आकर के आप अप्लाई नाव पर क्लिक करेंगे आपके सामने अप्लाई का पेज ओपन होकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम फिल करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम हो अपना नाम आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। नाम फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना होगा, इस पर टिक करके सिंपली 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा स्टेप 2। इसमें आपका क्वालिफिकेशन के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे कौन से पोस्ट से अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन लगेगा देखने को मिल जाएगा। और जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिल करा है देखने को मिल जाएगा। आपको इसको रीड कर लेना होगा, अगर सही है तो आपको इसको रहने देना होगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, अगर गलत है तो आपको बैक जाकर अपना क्वालिफिकेशन सही कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला स्टेप ओपन होकर आ जाएगा मिलिट्री रिकॉर्ड स्टेप 3। और यहाँ पे डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स बिफोर आपको देखने को मिल जाएगा, मैं ये नो रहने दूंगा। उसके बाद इनरोल इन आर्म फोर्स बिफोर, तो मैं इसको भी नो रहने दूंगा। उसके बाद मेरे पास एनसीसी नहीं है तो मैं इसको भी नो रहने दूंगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अगला पेज मेरा ओपन होकर आ जाएगा, अगला स्टेप देखता हूं क्या है। उसके बाद वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे फिल करना होगा। साइड स्लो है तो ये स्लो ओपन हो रहा है। अगला आपका यहाँ पर एड्रेस का है, तो जो भी एड्रेस आपने फिल करा है सब एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे ये भी आपका जो पेज है सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगला पेज आपका स्टेप 5 मिसलनियस रहने वाला है। और यहाँ पे आपको कैसे पता चला इस वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ से कुछ भी एक ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज ले सकते हैं या अदर कोई भी। मैं यहाँ पर एनी ले लेता हूँ। और यहाँ पर किसने मोटिवेट किया इसको अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टीचर, उसके बाद स्विमिंग अगर आपको आती है तो यस करेंगे, नहीं आती है तो नो करेंगे। मुझे आती है मैं यस कर लूँगा, अगर आपको नहीं आती होगी तो आप नो करेंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला पेज आपका डॉक्यूमेंट्स का है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करा है सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना होगा, अगर आपका सही डॉक्यूमेंट्स है तो सिंपली 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला पेज आपका ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले चीफ लेना चाहते हैं या कौन सा लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से फ्रेंड्स अभी आप मेरा फ़ोन रोटेट है, देखिए एक हो गया और रोटेट में सही से काम नहीं करता है, तो मैंने दूसरा इसको सेलेक्ट कर लिया। तीसरा मैं इस पोस्ट को कर लेता हूँ, आज निस्ट है और फ़ोन रोटेट है तो समझ में नहीं आ रहा है, देखिए। उसके बाद सिंपली ये सेव करने के बाद फिल करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने जो भी डेटा फिल करा है सबका प्रीव्यू करके आपको चेक कर लेना होगा एक एक करके। आपको सिंपली यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करते रहिएगा। जैसे इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे ये सब आपका सारा डेटा ओपन होते रहेगा। इस सब आपको चेक कर लेना होगा, सब एक एक करके चेक कर लीजिएगा। कुछ गलत हो तो फ्रेंड्स आप सिंपली यहाँ व्यू करके देख सकते हैं, जो भी गलत हो आपको बैक जाकर सही करना होगा। ये आपका सब सही है तो सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा, यस पर क्लिक करना होगा, आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगा। तो मैं वेट कर लेता हूँ जब तक ये सबमिट हो रहा है। आपको भी अपना एप्लीकेशन ऐसे ही सबमिट करना होगा। देखिए कुछ एरर आ गया मुझे, तो ये सबमिट नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से देखता हूँ। तो मेरा फॉर्म सब सही है और मैं देखता हूँ कुछ ऐसा एरर, मेरा जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था फिर भी मुझे ऐसा एरर वहाँ पे भी मिला था। तो फ्रेंड्स एरर था फिर भी मेरा जो फॉर्म है सबमिट हो गया, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा MR की है और यहाँ पे 04/2022 ये रहने वाला है पैच। उसके बाद 29/10/2021। उसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके अपना डिटेल्स देख पाएंगे। यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं कुछ गलत हो तो। मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ
और जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। एरर आ गया था जिसकी वजह से मेरा डाउनलोड नहीं हुआ, मेरा इस पेज पर आ गया। और यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा डाउनलोड पे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म जो आपने फिल करा था ये डाउनलोड करके ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैं हाइड कर लूँगा और ऐसे ही आकर के अपना फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में।